स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 प्रोज का लेसन 6, जिसका नाम है विमेंस एजुकेशन, को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तुम आज उस युग में रह रहे हो जहां पे औरतों के लिए बहुत से अवसर हैं। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर, और यह अवसर कहां पे हैं? इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में हैं, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में है। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। समाज को अनुशासित दिमाग वाली और नियंत्रित व्यवहार वाली औरतों को आवश्यकता है। समाज को अनुशासित दिमाग वाली और नियंत्रित व्यवहार वाली औरतों की आवश्यकता है। डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासित, रिस्ट्रेंट का अर्थ है नियंत्रित, मैनर का अर्थ है व्यवहार। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। तुम जो भी कार्य करते हो, यू शुड ब्रिंग टू इट इन ऑनेस्ट। तुमको अपने कार्य में ईमानदारी लानी चाहिए, डिसिप्लिन माइंड और अनुशासित दिमाग का होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी तुम सफल हो पाओगे और अपने कार्य का आनंद ले पाओगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा, इज कंसर्न, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। लड़कियों की शिक्षा का काफी विस्तार नहीं हुआ है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। इसलिए हर एक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान करती है, वह मान्यता के योग्य है और प्रोत्साहन के योग्य है। इनकरेजमेंट का अर्थ होता है प्रोत्साहन, रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ है मान्यता, वर्थी का अर्थ है योग्य। बट आई एम एंशियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। बट आई एम एंशियस, लेकिन मैं उत्सुक हूं, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेड, शिक्षा के उस प्रकार के लिए जो प्रदान की जा रही है, इम्पॉर्टेंट का अर्थ होता है प्रदान किया जाना, नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही ना हो, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई का अभाव है। लैकिंग का अर्थ होता है अभाव। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम
विद्वान हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। लर्न का अर्थ होता है विद्वान, स्किल्ड का अर्थ होता है कुशल। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार का उद्देश्य न रखें तो आवर लाइफ देम सेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जो जीवन है स्वयं ही अंधकारमय हो जाता है। ब्लंडरिंग एंड बिटर, ब्लंडरिंग का अर्थ है त्रुटिपूर्ण, बिटर का मतलब है कड़वा। तो हमारा जीवन स्वयं ही अंधकारपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और कड़वा हो जाता है। द गीता सेज व्यवस्मित का बुधिर एका। गीता कहती है कि कार्य करने का लक्ष्य एक है और सुनिश्चित है। यह संस्कृत का वाक्यांश है और गीता से लिया गया है। गीता के अनुसार कार्य करने का लक्ष्य एक है और सुनिश्चित है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक व्यवस्थित दिमाग के लिए। कल्चर्ड माइंड का अर्थ है व्यवस्थित दिमाग। देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, एक व्यवस्थित दिमाग के लिए केवल एक लक्ष्य होता है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, एक उद्देश्य के लिए पूर्ण समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, और एक अव्यवस्थित दिमाग के लिए पूरा जीवन ही छितराया सा रहता है अलग अलग दिशाओं में। स्कैटर्ड का अर्थ होता है छितराया हुआ और डायरेक्शन का अर्थ है दिशाएं। बहु सखा हयस्थ का, ये संस्कृत का वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक साथ कई उद्देश्य का होना। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूट शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल बट इंडाउ यू विथ ए डिफिनिट पर्पज इन लाइफ। इसलिए यह अति आवश्यक है कि द एजुकेशन विच यू एक्वायर, शिक्षा जो तुम प्राप्त करते हो इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं से, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वह तुम्हें केवल शिक्षित और कुशल ही न बनाए बट इंडाउ यू, वह तुमको स्पष्ट कर दे। इंडाउ का अर्थ होता है स्पष्ट करना, मतलब तुमको व्यवस्थित करे तुम्हारे दिमाग को विथ ए डिफिनिट पर्पज इन लाइफ, वो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। व्हाट दैट पर्पज इज, अब यह उद्देश्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, इसे तुमको स्वयं ही निर्धारित करना है। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है। विमस्य रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड दैट इज रॉन्ग। विमस्य रूपिणी विद्या तुमको एक समझ देती है, एक सीख देती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको जान सको। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दी जनरेशन, तुम्हें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में तुमसे क्या अपेक्षा की जाती है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। एक ऐसा उद्देश्य, एक पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो, एक ऐसा उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था,
हो सकता है कि आज की जीवन शैली के अनुसार अच्छा ना हो। इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, और ऐसा इसलिए ना हो क्योंकि जो हमारे देश की का या संसार का संसार में जो तीव्रगामी परिवर्तन हो रहा है, उस दृष्टि से हो सकता है कि वह उद्देश्य आज अच्छा ना हो जो शताब्दियों पहले अच्छा हुआ करता था। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए उद्देश्य जो तुम अपने जीवन में निर्धारित करते हो, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वह उद्देश्य जो तुम निर्धारित करते हो, वो उस कुछ ऐसे उद्देश्य को लेना है, ऐसे उद्देश्य को अपनाना है जो आज के जनरेशन या आज की पीढ़ी के अनुसार प्रासंगिक हो, आवश्यक हो। रिलेवेंट का अर्थ होता है प्रासंगिक। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइमंस एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। हर बार जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तो अंत में शांति 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 कहते हैं। द टीचर्स एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। अध्यापक और विद्यार्थी या अध्यापकों या विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा न करें। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मैन। कंपैशन का अर्थ होता है दया। दया एक ऐसा गुण है जो औरतों का खास गुण धर्म माना जाता है तुलनात्मक रूप से पुरुषों के। आई रेड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ विमन होट। मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ा है जो बताती है औरतों के या नारीत्व के पतन के बारे में। डिक्लाइन का अर्थ है पतन। रिसेंटली का अर्थ होता है नवीन या हाल में ही। एंड सीज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन। और यह पुस्तक ये बताती है कि यह जो नारीत्व में पतन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि नारियों में दया का पतन हुआ है या दया भाव कम हुआ है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमन इज कंपैशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो औरतों का जो प्राकृतिक स्वाभाविक गुण है वह है दया। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो तुम फिर मानव नहीं हो, मनुष्य नहीं हो। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप ए क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए यह हर किसी मानव के लिए अति आवश्यक है कि वह अपने अंदर सहानुभूति, दया, दयाशीलता जैसे गुणों को विकसित करें। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। बिना इन गुणों के हम केवल मानव पशु ही हैं, एक ऐसे पशु हैं जिसको मानव कहा जाता है। अगर हमारे अंदर यह गुण नहीं है तो नर पशु हैं इन गुणों के बिना। नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं। अगर हमारे अंदर दया सहानुभूति जैसी जैसे गुण नहीं है तो देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक प्रसिद्ध कविता है जो कहती है। वर्स का अर्थ है कविता। संसारा विषा वृक्षा, यह संसार विष का एक वृक्ष है।
इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसारा, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटिएबल क्वालिटी, इस संसार में दो फल हैं जो विशेष प्रभाव देते हैं, विशेष गुण रखते हैं। इनिमिटिएबल का अर्थ तो ऐसे अनुकरणीय होता है, तो दो ऐसे फल हैं जो अनुकरणीय हैं, दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, और उनमें से एक है हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और दूसरा महान लोगों के संगति, महान लोगों के साथ आचार विचार का आदान प्रदान करना। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड्स मेंस माइंड एंड हार्ट्स, ये वे दो चीजें हैं जो मानव मस्तिष्क को और मानव के हृदय को ढालती हैं। स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा।